राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है इसे मैं लीक पीट बजट कहूंगा। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है महंगाई। महंगाई पर कोई राहत नहीं दी गई है, सिर्फ गोलमोल बजट पेश कर खाना पूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्षता पर विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लो देख लो, इस बजट में त्योहारों पर 600 मंदिरों पर सज्जो सज्जा की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। ये कहना है हाजी मकसूद अहमद का, आइए सुनते हैं। राजस्थान की वित्त मंत्री दिव्या कुमारी द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है, मैं इस पर्ची सरकार को लीक पीट बजट कहूंगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। जहां तक महंगाई की बात है, जनता त्राई त्राई कर रही है, महंगाई से कभी राहत नजर नहीं आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस बजट में 600 मंदिरों के साधु सज्जा की बात की गई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों को भी जोड़ा जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। बीकानेर शहर के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया गया है। यहाँ की जो नासूर फाटकों की समस्या है, इसमें बजट में कोई भी इसका प्रावधान नहीं रखा गया है। जहाँ विकास प्राधिकरण की बात आती है, अजमेर और उदयपुर जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे विकास प्राधिकरण है, लेकिन बीकानेर को विकास प्राधिकरण का दर्जा नहीं दिया गया है। छोटे छोटे शहरों में डेवलपमेंट के लिए, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन बीकानेर के साथ नहीं दिया गया है। मैं तो इस बजट को किसान विरोधी, आमजन विरोधी, गरीब विरोधी, बेरोजगार विरोधी बजट कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाजी मकसूद अहमद, पीसीसी सदस्य, पूर्व महापौर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष, बीकानेर।